हमारे साथ है बाला अम्बेडकर जो एक्स ऑपोजिशन लीडर है, आइए इनसे बात करते हैं। बाला भाई, आपने कितने साल से मतलब इसका आयोजित किया है गणपति? हमारा गणेश मंडल का नाम है स्वप्नाक्ष मित्र मंडल और ये मॉडल टाउन में हम लास्ट 32-38 ईयर से मनाते जा रहे हैं और हर साल सामाजिक ध्यान दे के लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए हम झांकी यहाँ पे पेश करते हैं। इस साल आपने मतलब ये कुछ नया कुछ किया है, हर साल कुछ नया नया देखने को मिलता है, तो इसके बारे में कैसे मतलब इस टाइम ये क्या है? पहले लास्ट टाइम इजिप्ट का कुछ था आपका? नहीं, लास्ट टाइम हमारा युवकों को शिक्षा देने के लिए युवकों की झांकी बताई थी कि हमारे देश के युवक कैसे होने चाहिए। इस बार हम लोग ने प्लास्टिक बंदी के बारे में और कागज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और अभी जो नया टॉपिक है कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलो, फिर कागज़ से कचरे से कंपोजिट खत बना के हम उसका यूज सोसाइटी में भी कर सकते हैं और एक बायोगैस की हम लोग ने रखी है कि बायोगैस से जो अपना सोसाइटी का जो वेट कचरा रहता है उसे बायोगैस से हम फायर भी कर सकते हैं, बिजली की उपलब्धियाँ कर सकते हैं जिनके कारण सोसाइटी के लोगों को उसकी फायदा हो सके। कितने दिन का है ये आपका? हाँ, आमचा गणेशोत्सव खरं म्हणजे 11 दिवसाचा आहे आणि गेल्या 38 वर्षापासून आम्ही तो साजरा करीत आहोत आणि सामाजिक भान ठेवून लोकांना आणि विभागातील नागरिकांना की चांगलं काहीतरी शिक्षा घडलं पाहिजे त्या दृष्टीने आम्ही देखावे सादर इथे करीत असतो। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी बात हो जाए, एक आध दो सवाल। आने वाले इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं हूँ। हमारे मैं शिवसैनिक हूँ और हमारे माननीय आदरणीय पक्ष शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जो निर्णय लेंगे उनके साथ में रहूँगा। बालाजी ने आखिर बता दिया क्या, वो भी एक पक्के शिवसैनिक है। बालाजी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत